हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और बारी वेरी लिटिल नाइटमेयर गेम की वीडियो के साथ। और इस बार मुझे देखना है, अभी यहाँ पे मुझे कंडा गया, तो पिछली बार मैंने ये चीज़ तो नोटिस कर ली थी कि यहाँ पे ये मैच बॉक्स है, इससे मेरे को ये मैच स्टिक निकाल के जब मैं आग लगाऊंगा तब मेरे को उधर की तरफ जाना है। लेकिन ये मैंने अभी भी पता किया कि मेरे को उधर की तरफ जाके उसमें इसे जला देना है और लाइट कर देनी है ताकि थोड़ा अंधेरा कम हो। ओह सही में इससे वो जल गया। एक सेकंड, अब मेरी वो मैच स्टिक तो खत्म हो गई होगी ना, मेरे को क्या एक ऑल लाना है उसके लिए? नहीं, अभी पहले मैं आगे चल के देखता हूँ, अगर आगे अंधेरा हुआ तो ऑल लाना पड़ेगा। तो जैसा मुझे लग रहा था वो एकदम सही लग रहा था, मुझे एक और ही लानी है यहाँ से। और इस बार मैं थोड़े ध्यान से करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से पूरा वहाँ तक गया तब तक वो मैच स्टिक बुझ जाएगी। मुझे इधर बिना जलाए लेके जाना है और इधर भी आग लगी पड़ी है, इसके अंदर पहले से डाल देना है। एक सेकंड, डल भी पाएगा? अच्छा डल गया। और एकदम जल्दी से प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से, इससे पहले कि ये बुझे। अरे जल्दी आ जा रे, यस पहुँच गया, बस मैं पहुँच ही गया और लगा दिया आग। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेयर्स हैं, वहाँ पे इस ऊपर चलने के लिए ये लैडर्स हैं। यहाँ से अभी मुझे रास्ता बनाना है ना। ओ भाई कितना ही गंद पड़ा है, इतने यहाँ इस जगह पे इतना गंद क्यों पड़ा रहता है? ओह वहाँ पे वो बॉक्स है, वो मिस्ट्री वाला बॉक्स जो भी क्या वैसे, उसको खोलने से फ़ायदा पता नहीं क्या होता है, इतना तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन चलो तब तक तो मुझे ये कंप्लीट करना है। और अभी यहाँ पे मुझे और क्या करना चाहिए, प्लीज़ कुछ ढंग का मिल जाए, तो उम्मीद करता हूँ कुछ ढंग का मिलेगा। कोई ढंग का रास्ता? ओके यहाँ पे ये, इससे क्या होगा, ऐसी जगह पे ये क्यों दे रखा है? अच्छा ये होगा, तो यहाँ से वो थोड़ी ये जो लैडर है ये थोड़ी इधर की तरफ आ गई, जिसकी वजह से अब मेरे को अच्छा वाला रास्ता मिल चुका है। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ गया, यस नहीं मेरे को थोड़ी आगे की तरफ जाना है। ओके डब्बा इसे खोलता ही हूँ, वैसे कभी भी इसे खोलने पे ना मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, खुद ही देख लो। नहीं वैसे ये मुझे पता है कि जंप स्केयर मिलने वाला है। ओहो बहुत ही बढ़िया, जैसे मैं डर गया, ये मुझे पता होता है कि जंप स्केयर मिलने वाला है, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी जब जंप स्केयर मिलता है ना इतना खास डर नहीं लगता। और अब यहाँ पे इससे ये वाली लैडर घूमेगी ना कोई तो लैडर जाएगी आगे की तरफ, ये इधर हो गई। अच्छा वहाँ से मैं सीधा सीधा नीचे उतर सकता हूँ ना, एक मिनट, हाँ मुझे अब जाके समझ में आया थोड़ा बहुत। अगर मैं वहाँ से सीधा नीचे उतरूँगा मेरे को लैडर को वापस उधर भेज देना है और फिर मैं नॉर्मली आगे की तरफ जा सकता हूँ। फिर वहाँ पे आप अभी देखना एकदम, इधर से पहले मेरे को नीचे उतरना है और दूसरी लैडर नहीं पकड़नी, कि इससे आगे जाने का कोई वो था ही नहीं, वे ही नहीं था आगे जाने का। हाँ अब इस लैडर से चढ़ के मैं और आगे की तरफ जा सकता हूँ। देखा गाइस मैंने बढ़िया रास्ता पता लगा लिया, इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ा और मुझे लग रहा है गेम आगे जाके और ज़्यादा इंटेंस होगी। और एक सेकंड, ये लेवल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? अच्छा ख़त्म हो तो गया, हाँ अब हुआ है ख़त्म, यस अब हुआ है। वैसे कोई गेम के पीछे म्यूज़िक इतना बढ़िया बज रहा है ना, सही में मज़े आ जाते हैं ऐसा डरावना म्यूज़िक सुन के। गेम में तो इतना डर लगता नहीं है, बस उस बुड्ढे से डर लगता है मेरे को, वो जो व्हील चेयर पर आपने कोई देखा होगा बुड्ढा है, बस उसी बुड्ढे से। अब तक तो उसे हार्ट अटैक आना आ जाना चाहिए जितना वो बुड्ढा लग रहा था ना ऐसे। या मुझे किधर जाना चाहिए, ऐसे जल्दी निकलो। अरे अरे क्या है भाई ये, क्या वो थोड़ा गिरा हुआ था? अच्छा मैं आगे की तरफ भाग रहा था, अगर मैं वॉक कर रहा होता तो समझ जाओ गिर जाता, ख़त्म इस समय तक। यहाँ पे मैं नीचे भी उतर सकता हूँ उससे, वो आगे से तो वो टूट ही गया था, मैं नीचे कैसे उतरूँगा? यहाँ पे मैं इधर आ तो गया, इधर तो मैं आ ही गया। ओके भाई ये खाली आए इतनी पतली जगह पे मेरे को, यहाँ पे एक और बॉक्स है, मतलब बॉक्स ही देते रहो मेरे को, रास्ता नहीं ढूंढने दोगे? ओहो ऐसे हो सर, चलो निकलो हम यहाँ से। ओके एक बार दोबारा से सामने ही चलता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे एक डोर लग रहा है, यहाँ से शायद बाहर निकल सकता हूँ मैं साइड वाले डोर से, और आगे भी एक डोर है देखता हूँ। अच्छा यहाँ पे तो रास्ता टूटा हुआ है, मैंने खुद ही बोला था, लेकिन जंप नहीं मार सकता ऑफकोर्स, इतनी बड़ी जंप मुश्किल है इतने छोटे से बच्चे के लिए। यस ये तो स्लाइड तो ईजी है, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पे क्या करना है, पजल्स जो है ना इसकी और भी ज़्यादा ऐसे इंटेंस होती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कमरे में क्यों आया,
इधर से सीधा सीधा बाहर निकलता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे को ऐसे ब्लॉक, वो ये ब्लॉक भी दिख रहा है आगे की तरफ जाने का। तो इसी रूम में कुछ ना कुछ होगा, कुछ झोल इसी रूम में होगा। यहाँ पे एक छोटी लाइट जल रही है और ये पीछे की तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा। कहीं पे चढ़ भी नहीं सकता क्या मैं? हेलो कम ऑन, इधर से कुछ ना कुछ तो ऊपर चढ़ने का होगा। अरे कम ऑन यार, एक तो इतना अंधेरा भी कर रखा है उन्होंने इधर। तो अभी मैं चलता हूँ दूसरे वाले रूम में, लेकिन एक सेकंड, एक जगह अभी भी बची हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं उधर तो जा रहा हूँ, लेकिन ये तो देखो, ये भी नहीं खोल सकता मैं। और अब इसमें पता नहीं क्या मिलेगा। ये वैसे होता किस काम का है, बहुत से घरों में देख रखा है, आई मीन हाँ ज़्यादातर मूवीज़ और गेम्स में ही देख रखा होगा। ओके तो गाइस, इस रूम में मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि पहले मुझे इस रूम में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं उधर जाऊंगा। तो यहाँ पे ये साइड में एक वो इलेक्ट्रिक कलर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ है, या ऑन करने के लिए हो सकता है, ऑफ करने के लिए हो, नहीं ऑन करने के लिए होगा, क्योंकि उस रूम के अंदर कोई लाइट नहीं थी। मेरे हिसाब से मुझे इन पहले इन चारों इन सबको ऑन करना पड़ेगा, फिर जाके उस बटन को ऑन करना पड़ेगा। मैंने अभी एक को किया, एक बार इस बटन को ट्राई कर लेता हूँ मैं। क्या बात है, मेरे को लग रहा है इसमें करंट है। और खींचा इसको, ओ लगा ही था। पहले मेरे को उन चारों को ऑन करना है। मेरे हिसाब से अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, चारों को ऐसे ऑन तो कर दिया है, चेक भी कर लिया, एक टाइम पे सिर्फ दो ही दिखते हैं। मेरे हिसाब से मुझे उस बटन को दोबारा भी नहीं, जितना मुझे समझ आ रहा है ऐसे ही हो सकता है। फिर हो सकता है इसका कोई और तरीका हो, लेकिन अभी मैं इधर चलता हूँ। लाइट आ जाए प्लीज़, इसमें अभी भी लाइट नहीं आई होगी क्या? देखा नहीं आई लाइट, मुझे लग ही रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है। मुझे बस उसकी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करनी है, तभी वो बटन तो तभी दे रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा हो। या अभी भी मैंने उन चारों को ऑन किया था, हो सकता है कि उन चारों में से किसी दो को ऑन करना हो। बीच के दोनों को मैंने ऑन किया था, उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। अभी भी मैंने बीच के दोनों को ऑन करके देखा, और जैसे ही आपको पता कुछ भी नहीं हुआ। अभी पहले मेरे चारों को ऑफ करता हूँ, फिर सोचता हूँ। वैसे गाइस मैंने चारों को तो ऑफ कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। हाँ ये देखो, साइड से अभी भी पता लग रहा है, अभी भी चल रहा है। वो क्या होगा अगर मैं उन लास्ट के दो को ऑन करूँगा? बीच के दोनों नहीं हो पाए, लास्ट के दो हो सकते हैं। इनमें से कोई एक मेरे को ऐसा पता लगाना हो, अगर वैसा होगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कि अगर इनमें से कोई एक पता लगाना हो, एक को करूँगा नहीं हुआ, फिर दूसरे को नहीं हुआ। लेकिन क्या होगा, इसको किया, अभी इसका अभी इसी का टाइम बचा है, और इसके सेकंड वाले को आई थिंक सो अभी भी काम नहीं बना। मेरे को कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, जो कि मेरे को इस पे मारना पड़ेगा। और एक सेकंड, वेट व्हाट, अरे भाई ये करना था यार, इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब इसमें मैं 7-8 बार मर गया। ओ अभी मुझे अभी भी ऐसा लगा कि मैं मर गया, ये बस मैंने तुक्के से ऐसे कंप्लीट कर लिया। मैंने 7-8 बार ट्राई किया, पहले बीच के दो फिर लास्ट के दो, लेकिन एक्चुअली इसमें जो ये चीज़ करनी थी ना, ओके हाँ यहाँ पे भी अब लाइट जल गई है। तो एक्चुअली जो इसके अंदर चीज़ करनी थी वो ये थी, वो फर्स्ट वाले बॉक्स के मतलब एक जगह से जो वो हटाएंगे तो वहाँ का सेकंड और दूसरे का सेकंड, वो यहाँ पे लाइटें जल गई सही में, दोनों के सेकंड सेकंड करने थे। वैसे मैं तो इस डोर को भी क्लोज कर सकता हूँ ना इसके अंदर, लेकिन उसको क्लोज करके करना क्या है पहले देखते हैं। अरे वाह हो गया क्लोज, हो सकता है कोई मॉन्स्टर ना अंदर आ जाए। वैसे तो कोई आएगा नहीं इस समय, बुढ़ा तो मर गया होगा इस समय तक, हार्ट अटैक नहीं आया बुढ़े को। और यहाँ कहाँ, ओ ये टैप है, उसको मैं ऑन कर सकता हूँ नीचे। ये कौन नीचे, तो नॉर्म्स हो रहा है, तो व्हाट रियल नॉर्म्स हो रहा है। उससे बाहर निकलने की कोशिश की थी, अभी भी मैंने देखा ये नॉर्म हमसे इतना डरते क्यों है। उधर अभी तक मैं टैप खोला छोड़ के आ गया। वो ये क्या, इसने नॉर्म को हाथ में उठा लिया। एक सेकंड ये क्या है, क्या देख रहा हूँ मैं, इस नॉर्म को हाथ में उठा लिया। ये बार बार हमसे डर के भागते रहते हैं, और इसने उस नॉर्म को हाथ में उठा लिया। उसको इस बार भागने की कोई जगह नहीं मिली। मैंने डोर जो क्लोज कर दिया था, डोर क्लोज करने की वजह से हुआ है सब कुछ। खोल, ओ उसने हमारे लिए खोल के भाग गया वो। आ जाओ भाई, तू भी एस्केप कर ले। मैंने कौन सा कुछ कहा है इस नाम को, इसे भी एस्केप कर लेना चाहिए। क्या मूवमेंट था ये गाइस? ओ डब्बा बंद हो गया, जिंदा हूँ ना मैं? अच्छा जिंदा तो हूँ ही। यहाँ से तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा, और ये देखते हैं इतना कचरा क्यों पड़ा है। अबे मेरे पीछे कौन पड़ गया, कौन पड़ गया? अबे कहाँ से आया अबे तू, कहाँ कौन पड़ गया मेरे पीछे? ओहो भाई, आप सभी लोगों ने देखा होगा, वो एक खतरनाक सा
पता नहीं क्या ही था ये, और ये मेरे पीछे पड़ गया। ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? और चेस सीन था, अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं भागूँ मेरे को मार डालेगा वो। अरे भाग, यहाँ से इसे घुमाया, ये घुमा सकता हूँ। अच्छा ये तो कोई हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा है। अच्छा, और वो जो चीज़ है जो अभी मेरे पीछे पड़ी हुई थी इस गंदे में से, वो इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। जो भी वो ऑब्जेक्ट सा था यहाँ पे टूटा हुआ है, लेकिन वो दूसरा वाला पार्ट टूटा नहीं हुआ, और वहाँ पे एक बॉक्स भी पड़ा है। अगर मैं उस बॉक्स तक जाने लगा तो भाई मैं गया, क्योंकि जो चीज़ वो मेरे पीछे पड़ी हुई ना, एक गंद यही बरसाना है तुम्हें। मैं आया वहाँ पे एकदम मिट्टी डाल दी इसको। अच्छा मैंने बस उसको ट्राई किया और वो खुद ही नीचे आ गया। अच्छा मैंने उस पर क्लिक किया, वो नीचे आ गया, और अब मेरे को समझ में आया कि इसमें करना क्या है। वो जो बॉक्स है, मेरे हिसाब से उस बॉक्स को ये उठाएगा और उसी बॉक्स से मैं आगे जा पाऊँगा, ऐसा तो मुझे लग रहा है वैसे। ओए इतनी पास आ गया भाई मेरे। वो ये इधर है, इसको मेरे को जोड़ देना है शायद। अच्छा तो पिछली बार ये इसको इसलिए नहीं उठा पाया था, अभी अभी मैं उसको उठा नहीं पाया था इसलिए शायद। थोड़ा छोड़ो अब उसको, इधर प्लीज़ इधर ना हो। ओ ध्यान से, जल्दी 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 जाना पड़ेगा। ये रहा, आ रहा है पीछे। कमोन। ओ बच गया मैं। अच्छा तो ये है, इसके लिए मेरे को बॉक्स चाहिए, लेकिन वो बॉक्स मैं वहाँ से यहाँ पे लाऊँगा कैसे? अगर मैं उस बॉक्स को ऐसे उठा नहीं सकता, उसको तो उसी के साथ उठाना पड़ेगा शायद से। हो सकता है मैं उसको घुमा सकूँ। अरे कहाँ आ गया। जल्दी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यस फाइनली, यहाँ से मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा इससे पहले कि वो आ जाए। बे हटना बे, मेरे सामने से पीछे पड़ गया मेरे। अब समझ आया, इस बॉक्स को मैं वहाँ से उठा सकता हूँ ना, क्योंकि अब मैंने उसको फिक्स कर दिया है। अब मार के देखा मेरे को गंदे जानवर। ठीक है इसे उठाना है, उठ जा नीचे आया उठा। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लगा हुआ है वो। तो यहाँ से वो जो हेलीकॉप्टर का ब्लेड था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, इन्होंने हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया। अब देखना मुझे कन्फ्यूज़ करोगे ना, अब देखना इतनी ईजीली मैं पार कर जाऊँगा इसे। ऐसे मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये जो स्ट्रेटजी है ये सही भी है या नहीं, लेकिन रुक जाओ। मुझे ऐसी गेम्स बहुत पसंद है क्योंकि मैं इनके अंदर बहुत बढ़िया नहीं हूँ, मतलब सोचना पड़ता है तभी बढ़िया होता है। लिम्बो के अंदर भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था, लेकिन फिर भी ऐसी जो जिन गेम्स में मेरे को दिमाग लगाना पड़ता है ना, वो बहुत पसंद है मेरे को। चाहे कंप्लीट हो या ना हो, यस आते नीचे। ठीक है अब इसे मैं नीचे तो लेके आ गया हूँ। अच्छा तो फिर इस ब्लेड को मैं पूरा घुमा सकता हूँ ना, अगर मैं इस ब्लेड को घुमा के उधर की तरफ ले जाऊँ जहाँ से मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, तो मेरे हिसाब से वही एक जाने का रास्ता है, तो मैं फिर वहाँ से जाऊँगा। ओ यस ये रहा वो बॉक्स, ऊपर जल्दी से वो आ ना जाए वो घटिया चीज़, घुमा ले उसको। अच्छा यहाँ से घूमेगा। ओ अभी बस एक बार और करना है, क्योंकि इस ब्लेड के अगर वो एकदम सामने होगा तो मेरे भी एकदम सामने वो है अभी। ओके वो बॉक्स एकदम सामने है और यहीं पे आना था मुझे, बच गया भाई, बहुत पास आ गया था अभी वो मेरे। मैंने लगता है गलती से इस पे पैर रख दिया होगा। अरे जल्दी से क्या करेगा, जल्दी। ओह फाइनली, इसमें जल्दी बस इसीलिए करना पड़ा क्योंकि वो मेरे पीछे घूम रहा था, नहीं तो मैं इजीली कर लेता। ओके अब तो मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा, अब टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अब कहाँ से आ गया ये भाई, मुझे तो लगा इससे मेरा पीछे छोड़ दिया। कमॉन ओ मार दिया इसने मेरे को। शुरू से नहीं करना पड़ेगा। यस ओके अच्छा यही से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं इससे पहले मरा होता तो मेरे को शुरू से करना पड़ता। तो वो हमेशा मेरे पीछे रहता है, मुझे अभी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस मर के समझ आता है कि करना क्या है आगे। इसके अंदर तो मरना, इतना तो मरना बनता है। आ गया लेकिन मैं ऊपर चढ़ गया, थोड़ा बड़ा पत्थर था इसलिए ऊपर चढ़ने में देर लगी। लेकिन ये क्या बेवकूफ मेरे गोल घूम रहा है, मतलब भाई गोल घूम रहा है। जल्दी यस बच गया, बहुत पास आ गया था, लेकिन अब तो मैं बच ही गया। और आई थिंक सो मैं इस जगह को एस्केप कर गया। अब मैं दोबारा कभी नीचे आऊँगा ही नहीं इधर। हाँ अब मैं और ऊपर की तरफ जाने लगा तो मेरे हिसाब से मैं और कभी नीचे आऊँगा नहीं, और ना ही वो मेरे दोबारा घूम पाएगा। और ये क्या, ये बिल्डिंग है भाई, ऐसा तो नहीं मुझे उस पर अच्छा नहीं है। अभी उस बिल्डिंग का तो मुझे कुछ नहीं करना, पहले मुझे यहाँ से सब कुछ सॉल्व करना है।
मुझे ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें मुझे करना क्या है, ऐसे मैं मिस्टेक्स नहीं कर सकता, इसमें मुझे बहुत ध्यान से सोचना है कि ये मैं किस बॉक्स को ऐसे लाऊं कि वो मैं कि वो नीचे जा सके। मुझे पता नहीं इन बॉक्स को नीचे लेकर जाना है, और ये जो दूसरा वाला बॉक्स है भाई इसको तो रहने ही दो, पिछली बार मैंने इसे आगे धक्का दिया था कुछ हुआ नहीं, पीछे धक्का दूंगा तो इस उम्मीद के साथ कि कुछ हो जाएगा। और गाइस आप लोगों को लगा कि मैं यहाँ से ऐसे कूद जाऊँगा, नहीं, यहाँ पर आके मेरे को अभी भी ये बात पता लगी कि नीचे कांटे लगे हैं, तो अच्छा मैंने देख लिया, लेकिन ये मत समझना मैं ऐसी जगह से मर जाऊँगा, मुझे किसी ना किसी तरीके से उनमें से किसी एक बॉक्स को नीचे लेके जाना है, इतना मुझे समझ में आ चुका है। ये तभी यहाँ पे ये बॉक्स को ही मैं हिला पा रहा हूँ और किसी चीज़ को मैं हिला ही नहीं पा रहा। यहाँ पे चलता हूँ मैं, ये यहाँ साइड में देखो कितना कितना गंद पड़ा है। इधर से अगर मैंने इसे ऐसे किया, अब यहाँ पे आया, यस, अरे यार वो उधर तो रुकता नहीं है ना ये, मतलब इसको धीरे से धक्का दो ये बहुत आगे चले जाएगा, बस एक बार इस पर क्लिक करना है ये मतलब इतनी आगे चले जाएगा। अभी आप लोग खुद ही देख लो मैंने इसे उधर धक्का दिया, और आई थिंक सो आप मुझे समझ में आ गया, जब तक ये कहीं से टच ना हो ना तब तक ये रुकता नहीं है, वहाँ पे टच हुआ और बस यहाँ से सामने आगे धक्का दे देना, यस बढ़िया, यही तो कर रहा था मैं। अरे इधर नहीं, इधर से तो कहीं और ही जाएगा ये, दूसरी तरफ से, यस अब सही है, यहाँ से अगर मैंने धक्का दिया, अरे बाहर नहीं निकला अभी तक ये, अच्छा हाँ अब समझ आया, अब हो जाएगा ये काम, ये वाला जो बॉक्स है ना ये वाला बाहर जाएगा, बस इसी को धक्का देना था, नहीं इधर से नहीं, इधर से नहीं, अगर इधर से धक्का दिया तो फिर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, तो पिछली बार अभी मैं जानबूझ के मारा था कि मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अलग से समझ आया, और ये जो बिल्डिंग थी ना मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे इस पर क्लाइंब करना है, और आई थिंक सो वो बात सच होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसकी विंडोज़ पे देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि इस पे मुझे क्लाइंब करना होगा। अबे धक्का देने आ जा भाई, यस नहीं और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, पीछे कैसे जाऊँ इसके, मैं पीछे आ जा, आप जरा सी आगे और यहीं से धक्का दे रहे हैं, ओके ये जाके वहाँ पे गिरा ताकि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकूँ, बहुत ध्यान से तो मैं नीचे उतर आया कि मेरे को उन कांटों में नीचे बना, और एक ही जगह जिस जहाँ पे कांटे नहीं लगे, तो कोई ऐसा तो नहीं अब मेरे को इस बिल्डिंग में सही में चढ़ना पड़ेगा यार, इट मीन्स आई वॉज राइट, हम यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ये बॉक्स को मैं नीचे इसलिए लेके आया ताकि इससे ऊपर और जाने में ईजी हो जाए, इससे पहले कि कोई गंद वंद गिर रहा हो, अगर ये गंद इसके सिर पे पड़ा तो क्या हम ये मर जाएगी सही में, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ओके। अरे ये देखो मैं बोल ही रहा था भाई, मुझे ना इसके अंदर पैटर्न समझना पड़ेगा कि पहले वो क्या करते हैं, कि पहले इस थर्ड लाइन में गिरे, ये लाइन है थर्ड वाली, और अब वो शायद फर्स्ट लाइन में गिरे, और ये मिडल लाइन है यानी सेकंड वाली, थर्ड लाइन में हो जाता हूँ, अब वो मिडल में गिरेंगे, देखा मुझे लग ही रहा था, अच्छा थोड़ा सा गंद गंद आने लग जाता है ऊपर से, ओके मैं उस लाइन में था भी नहीं जिसमें वो गिरे, थर्ड लाइन में गिरे हैं, मिडल लाइन में रहना है, और इधर गिर सकते हैं, अच्छा उधर गिरे हैं, यार इनका पैटर्न कैसे समझा जाए, अभी वो मिडल लाइन में गिरेंगे मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा गंद गिरा, तो जब ये गिरते हैं ना कभी कभार हमें ये हिंट मिल जाता है कि ये कि कभी छोटा छोटा गंद मिलता है ना, जब हो गया अब इस लाइन में गिरेंगे, अब इस लाइन में गिरेंगे, ऐसे नहीं नहीं बीच में गिर रहे हैं, अच्छा मैं उस समय साइड नहीं हुआ, बच के ओ बीच में गिरा, लेकिन अच्छा मैं टाइम पे साइड हो गया, जल्दी जल्दी, ओ बच गया भाई मैं, इधर इधर इधर, ओ ओके, तो मेरे हिसाब से अब थर्ड लाइन में जो गंद है वो गिरना थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो थर्ड ओके, ओ ओबे ओ भाई हार्ट अटैक देने वाला था मेरे को, अबे यार कम से कम सोच के तो गिरा दी करो, मैं इतनी मुश्किल से इतनी ऊपर आया हूँ, और फिर जाके तुम जब ऐसे नीचे गिरा रहे थे ना, मतलब ये इतनी मुश्किल से मैं वो इतनी ऊपर आया हूँ, फाइनली ये मैंने पार कर ली वो बिल्डिंग, और अब मुझे क्या करना है, तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर वहाँ पे चढ़ सकता हूँ, और वो जो ऊपर जगह है वहाँ से मैं एस्केप कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको मैं कुछ गिरा विरा कुछ नहीं सकता, पे गिर तो जा कम से कम, और सामने डोर है मेरे को उसके लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो ऐसे तो खुलने वाला नहीं है, मतलब हमेशा ऐसे कोई डोर खुलता नहीं है, या लेकिन मैंने एक टाइम पे सोचा था कि ऊपर चढ़ के वहाँ से हो जाएगा काम, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अबे वो नॉम ऊपर चढ़ के ड्राइंग बना रहा है, सही में इसने ये सारी ड्राइंग से इसे एक नॉम ने बनाई है, फिर और भी हो सकते हैं, लेकिन नॉम ड्राइंग क्यों बना रहा है, ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की, यहाँ पे भी एक रास्ता है जिसको मैं खोल नहीं सकता, ओके तो नॉम्स ने यहाँ पे कैंडल जला रखी है ताकि वो ड्राइंग बना सके, अरे एस्केप कर लो यहाँ पे, तुम्हें क्या मजे आ रहे हैं रहने में, ये नॉम ऐसे ही ये ड्राइंग बनाते हुए अपनी ये सैड स्टोरी दिखा रहे हैं एक तरीके से, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, ये नॉम्स भी एक टाइम पे वो ह्यूमंस थे ऐसा सुनने में बोला गया है, इस गेम के अंदर नॉम्स भी एक टाइम पे ह्यूमंस थे जिनको ऐसे पकड़ लिया गया, फिर उन पर रिसर्च करके उनको ऐसा बना दिया गया, फिर इसके बाद वो सभी ह्यूमंस से डरते हैं, अभी ये सिक्स भी ह्यूमन है और ये पकड़े जाना नहीं चाहती, ना ही अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती है, ना ही मरना चाहती है,
और ना ही नॉम जैसा बनना चाहती है, बस यहाँ से इसको एस्केप करना है। तो इधर मैं आया हूँ, यहाँ पे दरवाजे पे मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा। तो ऐसा तो नहीं दरवाजे पे धक्का मारना पड़ेगा फिर दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा यहाँ से। अगर ऊपर चढ़ पाता फिर इसके अंदर वहाँ से एस्केप भी कर सकता। और वहाँ पे ऊपर एक और जगह है। वैसे गाइस क्या आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो डोर के पास वाले जो बॉक्सेज है ना, इन पे थोड़ा सा ये अलग डिज़ाइन बना हुआ है। और जो जो दूसरे बॉक्सेज हैं यहाँ पे, ये देखो इन पे अलग डिज़ाइन, मतलब इन पे शायद कोई डिज़ाइन ही नहीं बना हुआ, शायद वो आई बनी हुई है, लेकिन डोर के पास वाले बॉक्सेज पे थोड़ी सी ये अलग डिज़ाइन बना हुआ है। नहीं नहीं इतना ज़्यादा क्यों ही सोच रहा हूँ यार मैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता, यहाँ पे जा नहीं सकता। मुझे लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे, इधर अगर मैं आया यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई सीक्रेट कोड हो। गाइस जब आप लोग वो जहाँ पे मैं नीचे वाले रूम में गया था, वहाँ पे आप बहुत लोग जब उस नॉम की ड्राइंग देख रहे थे, तब मैंने कुछ ना कुछ नोटिस किया था। जहाँ पे मैंने वो पीस ऑफ जब मैंने उस वो वुड का पीस नीचे गिराया था, तब मैंने देखा था कि वहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कुछ क्रॉस क्रॉस लगे हुए हैं, और वही क्रॉस सेम यहाँ पे आगे बने हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं इन पे ऐसे चलूँ, आई मीन एक सेकंड गाइस, अभी देख रहा मैंने वो उन क्रॉस को देखा था, उस हिसाब से मैं कुछ ना कुछ पता लगा रहा हूँ इसमें। अगर मैं इधर आया, मैं अभी इससे पहले इसे दो बार ट्राई कर चुका हूँ, और नहीं दो बार नहीं शायद तीन बार, और हो गया। अच्छा तो ये करना था यार, इससे ये सब मेरे हिसाब से उस नॉम की वजह से पता लगा। लेकिन वो ड्राइंग देख के भी मेरे को इतना खास समझ नहीं आया, मेरे को ये ढंग से अभी भी समझ नहीं आ पाया, और अभी इतना ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने के बाद मेरे हिसाब से मुझे अभी थोड़ा आराम चाहिए होगा। भाई मुझे ना कुछ ऐसा करना था कि 5 times मैं उस जहाँ पे वो एक्स बना हुआ था ना आगे 3 वाले बॉक्सेस में, किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे 5 times आऊँ मैं, मतलब 5 times आना था किसी ना किसी तरीके से। और फिर मैंने जब ये वाला पैटर्न सोचा ना, ये वाला काम कर गया, क्योंकि उस नॉम ने जो अपनी ड्राइंग थी उसमें भी 5 times एक्स बना रखा था, पैटर्न तो नहीं दिया हुआ था उसने। अभी दोबारा ओ वो ऊपर से एक बच्चा अंदर जा रहा है और वो उधर चला गया। अच्छा वो मेरी तरह ऊपर, वो मेरी तरह ऊपर चढ़ा नहीं था क्योंकि वो ऊपर से ही आया था मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से इतना ही है, क्योंकि मैं इस पर ऊपर चढ़ नहीं पा रहा और वो जो बच्चा था। अच्छा तो ये अब खुलेगा, पहले मैं इस बॉक्स को इतना धक्का दिया कुछ हो ही नहीं पाया, और इसके अंदर से क्या गंद बाहर आया गंद के लिए। अच्छा ये किस काम का है भाई, ये किस काम का है। वो मैंने ऊपर बच्चा देखा लेकिन उसकी मैं हेल्प नहीं कर पाया, कम ऑन यार। ये कहाँ पे लगना है, अच्छा ये उधर लगेगा कहीं, ऐसा तो नहीं है वो लाइट हो जो इसमें लगनी थी। ये क्या, अच्छा ये इसी में लाइट लगनी थी, जो इसमें जो पिछली बारी लाइट लगी हुई थी वो काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए ये वाली लाइट लगानी है अभी इसमें। और ये कोई मशीन सी लग रही है अगर मैं इस पर खड़ा हुआ, अरे वो ऊपर सब कुछ, वो ऊपर लाइन चलने लग गई, लाइन आगे हिलने लग गई, आगे बढ़ने लग गई, ये क्या हुआ। ओके मेरे हिसाब से वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, इसको कि मेरे को पकड़ के जाना होगा। अरे ये क्या है जी, एक सेकंड ये तो आगे बढ़ गया ना, एक सेकंड। अच्छा इधर से आऊँगा मेरे को, मुझे इसे पकड़ना होगा जल्दी से, आई थिंक सो मुझे इसे जल्दी से पकड़ना है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये चीज़ तो मेरे को देखते ही समझ आ गई यार, कम ऑन यार, अभी भी इसके हाथ नहीं पहुँच रहे। वो थोड़ा छोटा सा है वो जो रेड सा जो भी है। हाँ अब ये पकड़ लिया जाएगा, अब मैं इसे पकड़ लूँगा। अरे अभी भी नहीं ले सकता क्या, अब इससे आगे कितना जाऊँगा मैं। लेकिन गाइस यहाँ पे साइड में एक ये बुक्स है और इससे चढ़ के मैं ऊपर जा सकता था, तो ये ऐसा तो नहीं मुझे इस रॉड पे बैठ जाना है, तो रॉड पे बैठ जाऊँगा लेकिन फिर इसके बाद ये रॉड आगे कैसे बढ़ेगी। नहीं इस रॉड पे बैठ जाऊँगा, उसके बाद रॉड को पकड़ के आगे जाना होगा, वो बस कंफ्यूज करने के लिए आया था जा रहा था, ऐसा भी हो सकता है। और ये यहाँ पे साइड में एक और डोर है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ये डोर खोलना हो, मतलब ये इतना मुश्किल कर सकते हैं अपनी पज़ल को, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना मुश्किल बना दिया। पिछली बार वो सीक्रेट कोड, इतना मुश्किल सीक्रेट कोड था ये, बार बार ट्राई करने के बाद आया मेरे को वो। एक समय के लिए मैं सोच रहा था कि भाई इससे आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता, ये क्या हो गया रे। मुझे मेरे हिसाब से मुझे इन बुक्स पे चढ़ना है, अभी मुझे इन बुक्स पे चढ़ना है। यहाँ पे साइड में एक डोर है, अरे वो दोबारा आ गया। ओह अच्छा मैं इसी का वेट कर रहा था, ओहो अच्छा है मैं यहाँ पे अभी इसे, अच्छा मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, इट्स गुड मेरा अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं इसे कंप्लीट भी नहीं कर पाता। बुक्स पे चढ़ने की मैं इतनी देर से सोच रहा था और ये करना है। अब मैं यहाँ से नीचे तो नहीं उतर सकता ना, देखा नहीं उतर ही नहीं सकता मैं इससे नीचे, बहुत ही सही इस पे चढ़ के तो आ गया लेकिन मैं नीचे नहीं उतर सकता। अब यहाँ पे नीचे उतरूँगा और मेरे हिसाब से अभी से पकड़ना होगा,
यस अभी से पकड़ना है, अभी से पकड़ना है, कम ऑन जल्दी से। तो ये घूम के दोबारा आ गया मेरे हिसाब से, यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो सब के सब घूम के दोबारा आ रही हैं। अरे यार हाथ में ही नहीं आएगा, अभी इसे पकड़ना है, उसके बाद पकड़े रहना है या फिर कोशिश करनी है, पता नहीं क्या करना है। नहीं इसे पकड़ना है और फिर इसके बाद आगे की तरफ चले जाना है, लेकिन वो जाऊँगा कैसे। ओके मैं अभी से पकड़ सकता हूँ, मैं पकड़ ले। ओ अच्छा इस बॉक्स को नीचे गिरा देना है, अब दोबारा से कैसे पकड़ूँ मैं उसको। अच्छा वो दोबारा अभी घूमते हुए आएगा ना, फिर क्या टेंशन ले रहा हूँ मैं, अब पक्का नहीं पता यार घूमते हुए आएगा, पता चले दो ही बार आना था। नहीं प्लीज़ वो अभी थर्ड टाइम दोबारा से घूमते हुए आएगा और तब मैं उसको पकड़ लूँगा। और अब मैंने उस पर बॉक्स गिरा दिया जिसकी वजह से उस पर वेट डाला पड़ा है, और अब वो घूमता रहेगा और अब मुझे अपनी अपनी जगह मिल गई। तो मुझे वो यहाँ पे एक और डोर है, मुझे अब इन दोनों डोर का कुछ भी नहीं करना था। कोई ऐसा तो नहीं इस डोर को मैं ओपन कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसे स्टूल पे खड़ा हूँ ना। ओके नहीं, जैसे अभी मुझे समझ आया पहले मैं वो करूँगा, बाद में वैसा बाद में मैं कुछ और सोचूँगा अगर ये चीज़ काम नहीं आई तो। प्लीज़ मैंने इस पर क्लिक किया और यस गाइस मैंने उस पर क्लिक किया था, लेकिन पहले इसने उसको पकड़ा नहीं और उसके बाद जब ये इधर की तरफ आया फिर जाके पकड़ा। लेकिन क्लिक करने का ऑप्शन तभी आया था, मतलब जब वो क्लिक करने के लिए उस पर ऐसे लाइट तभी जली थी, तब इसने पकड़ा नहीं है। लेकिन अच्छा है, बहुत ही सही से मैंने ये कर लिया, देखने में इतना मुश्किल सा लग रहा था। अब ये कहाँ आ गया भाई मैं, कम ऑन यार ये कहाँ आ गया। ये तो वही है यार, वही जो झुका हुआ आदमी है जिसको मैंने एक बार पहले देखा था थोड़ी देर पहले। ध्यान से शांति से जाना है। हाँ जिसको मैंने मतलब पहले अपनी पिछली वीडियो में इसको देखा तो था मैंने। ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ पे साइड में एक की टंगी पड़ी है, मेरे हिसाब से मुझे वो की उठा के लेके जाना है। लेकिन अगर की उठाई और आवाज़ हो गई तो क्या होगा। ओ जल्दी से शोर तो अब हुआ है, अब हो गया शोर। ओह बच गया मैं, करता क्या है बुढ़ा, कौन है ये बुढ़ा। वो एक व्हील चेयर वाले बुढ़े से अगर मुझे छुटकारा मिला तो यहाँ पे एक दूसरा पड़ गया मेरे पीछे। गाइस अगर आप एक्साइटेड हो कि ये बुढ़ा मेरे साथ क्या करेगा, इससे मुझे क्या कैसे बचना पड़ेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं चलता हूँ भाई, ये गेम धीरे धीरे करके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, खासकर यहाँ पे इस गेम में एक और विलन आ चुका है। और ये सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं चलता हूँ भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हो तो। Sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.